नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पी ओ पी एंड ओ पी एंड वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे, इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर्स है जिसमें मैंने पहले वीडियो दूसरे लेक्चर्स में मैंने दिखाया था कि पी ओ पी क्या है, उसके बाद के लेक्चर में मैंने दिखाया था कि ओपी क्या है। तो उन दोनों वीडियो लेक्चर्स के जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से हम डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर उन लोगों ने जो भी मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला डिफरेंस पीओपी और ओओपी में क्या है। देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जस्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि एक सी प्रोग्राम को आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और उस पार्ट को भी हम क्या कहते हैं, एक सब प्रोग्राम, और वो सब प्रोग्राम हमारा क्या कहलाता है, टेक्निकल वर्ड में फंक्शन। दैट मींस अ लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ सब प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज अ फंक्शन। सो ये डेफिनेशन फिट बैठती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू फंक्शन। उसके सामने हम देखेंगे ओपी में। तो ओपी में क्या है, जैसे सी लैंग्वेज में एक कंप्लीट प्रोग्राम को आप फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज लाइक सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एंटायर प्रोग्राम, कंप्लीट प्रोग्राम है, उसे आप क्लासेस में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी। तो जितने भी, जैसे सी लैंग्वेज में कोई एक प्रोग्राम में आपको जितने भी फंक्शन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। देर इज नो लिमिट ऑफ मेकिंग अ फंक्शन इन अ सिंगल प्रोग्राम लाइक दैट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी किसी एक प्रोग्राम में आपको जितने क्लासेस बनाने हैं वो कितने क्लासेस आप बना सकते हैं, और उस क्लासेस के वेरिएबल जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। याद रखिए, ऑब्जेक्ट की सिंपल डेफिनेशन क्या है, कोई एक क्लास बनाया है, क्लास में डेटा है, और उस क्लास के डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है तो उस क्लास के डेटा को उस क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू आप यूज कर सकते हैं। दैट मींस के ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्लास के वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि भाई पीओपी में जो लार्ज प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम में डिवाइड होते हैं, उसे हम फंक्शन कहते हैं। ओपी में जो लार्ज प्रोग्राम है वो डिवाइड होते हैं सब प्रोग्राम में, उसे हम कहते हैं क्लासेस, ठीक है। और उस क्लासेस के डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए दूसरे डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरे डिफरेंस में क्या किया, क्या दिया हुआ है, द मेन फोकस इज ऑन प्रोसीजर, और ओपी में क्या है, मेन फोकस इज ऑन डेटा। ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि भाई ओपी में जो मेन प्रायोरिटी है वो डेटा की है, और पीओपी में जो मेन प्रायोरिटी है वो किसकी है, प्रोसीजर की, ठीक है। चलिए तीसरा डिफरेंस, इफ द प्रोग्राम इज टू कॉम्प्लेक्स, पीओपी की बात कर रहे हैं, इफ द प्रोग्राम इज टू कॉम्प्लेक्स देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द प्रोग्राम। सिंपल टर्म है, जैसे जैसे आप प्रोग्राम में स्टेटमेंट मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस आप जितने ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। दैट मींस कि प्रोग्राम अगर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने सारे फंक्शंस आप एक प्रोग्राम के अंदर डाल देंगे तो उसको मैनेज करने में आपको दिक्कत आएगी आएगी आएगी, ठीक है। सामने ओपी में क्या है, जिस तरह से पीओपी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उस हिसाब से ओपी में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि सारा जो डेटा होता है वो हम किस
किस में डालते हैं, क्लास में, ठीक है। और क्लास के डेटा को अगर एक्सेस करना है तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी क्लासेस बनाए, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी, प्रोग्राम की साइज जितनी भी बड़ी होंगी, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। आप इजीली डेटा को एक्सेस कर सकेंगे और इजीली डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। अगला डिफरेंस हमारा सिक्योरिटी के रिलेटेड है। पीओपी में क्या होता है, जो मेन फोकस है वो प्रोसीजर पे है, डेटा पे नहीं है। यानी प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, डेटा को आपको देखना भी नहीं है। डेटा जिसे चाहिए वो ले सकता है, जिसे चाहिए वो यूज कर सकता है, मतलब डेटा के ऊपर किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। तो पीओपी में क्या होता है, मेन फोकस होता है प्रोसीजर के ऊपर, डेटा के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। उससे रिवर्स ओपी में हमने क्या किया है, जो पूरी प्रायोरिटी है वो हमने किसके ऊपर दे दी, डेटा के ऊपर। प्रोसीजर आप कोई भी फॉलो करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज क्या है, आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहना चाहिए। मतलब ओपी में सिक्योरिटी डेटा की है वो हाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट डज पीओपी में इट डज नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट फॉर न्यू डेटा टाइप, और ओपी में क्या लिखा हुआ, इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट फॉर न्यू डेटा टाइप, लाइक क्लास है, ठीक है। क्लास है वो क्या है, अल्टीमेटली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में या पीओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई नए डेटा टाइप का सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब पर ओपी में आप जितने भी डेटा टाइप क्रिएट करना चाहे तो उसको सपोर्ट बराबर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल उस नए डेटा टाइप को सपोर्ट करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ पीओपी प्रोग्रामिंग इज फंक्शन, मतलब मैंने पहले भी कहा था कि एक प्रोग्राम में आप जितने चाहे फंक्शन बना सकते हैं। तो यूनिट क्या हो गया, एक सी प्रोग्राम, एक पीओपी जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है उसमें एक प्रोग्राम का बेसिक यूनिट क्या हो गया, फंक्शन, मतलब अ लार्ज प्रोग्राम और अ सब प्रोग्राम, ठीक है। और ओपी में क्या है, यूनिट क्लास, ठीक है। आप जितने चाहे क्लास बना सकते हैं एक प्रोग्राम में। पीओपी में क्या होता है, आप जितने चाहे फंक्शन बना सकते हैं एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पीओपी इज फंक्शन, एंड इन ओपी द यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इज क्लास। और लास्ट डिफरेंसेस हमने जो दिया हुआ है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। सी लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पीओपी के फंडामेंटल को फॉलो करती है। और सामने अगर देखे तो C++, जावा और PHP और कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल को फॉलो करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पीओपी एंड ओपी। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट में आप अपनी क्वेरी लिख दीजिए, मैं आपको आंसर देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। थैंक यू।